दोस्तों नहाने जा रहा था, तभी बोलेरो से कुछ लोग आए और उसके बाद में अलाउंस करने लगे। अलाउंस ये कर रहे थे दोस्तों कि गांव के दो लोग बैंक से लोन लिए थे जो समय पे पे नहीं कर रहे थे, इसीलिए बैंक वाला मतलब भेजा था अपना कार्यकर्ता। वो मैक से अलाउंस कर रहा है कि हफ्ते भर के अंदर आप जो पैसा बकाया बैंक का वो जमा कर दें, नहीं तो आपका घर और जो जमीन वमीन है उसका कुर्की होगा, नीलामी होगा और गिरफ्तारी भी हो सकता है। देखो दोस्तों सामने अलाउंस कर रहा है, ये रहा। बड़े हौसला अरे तो अभी कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहने हो नहीं ना चट्टी है, मत दिखा यूट्यूब वाला बढ़ा देगा, उसके कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तू के साथ नहीं। हाय दोस्तों कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बज गए सुबह को 8 और इस समय है हम दोस्तों भानपुर में, और दोस्तों एक भाई साहब को लेकर जाना है बेवा से, उनको रिटर्न लेकर आना है, इनको थोड़ा काम है बेवा में, अर्जेंटली वाला काम है दोस्तों, इसलिए ये बोले हमको कि हम कुछ लेकर चल के सोनार तक छोड़ दो। जैसे रास्ते में पहुँचा फिर भाई साहब बोले कि नहीं हमको बेवा तक लेकर छोड़ दोगे, तो मैं बोला कि भाई अपने पास समय नहीं है, रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा काम है भाई साहब छोड़ देते तो ठीक है, जो फ्यूल लगेगा उसका पैसा दे देता हूँ, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों ऐसा अपना काम भी था, जो हमारा भाई ने था उसको लेकर गया था, उसको उसके घर किया था, वो गया था शादी में, शादी अटेंड करने गया था, जो कि दोस्तों शादी अटेंड कर चुका है, अब उसको रिटर्न लाना है। तो दोस्तों इनका काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये जो भाई साहब खड़े हैं बगल में इधर, इनको लेकर जाना है अभी। दोस्तों ये वेट कर रहे हैं किसी का, एक हमारे गाँव में मौली साहब हैं उनको, और एक इनके फैमिली का दो मेंबर हैं, दो हैं या तीन हैं, उनको उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो लोग आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों आ गए सब लोग, दो लेडीज़ हैं और एक मौली साहब और एक अपना, यानी चार लोग टोटल हैं, ये रहे सामने। दोस्तों पहुँच गए बेवा चौराहे पर, और दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे मामा का घर है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, तो इनको लेकर आया हूँ, इनको थोड़ा समय लगेगा 1 से 1.5 घंटा, तब तक हम वहाँ घूम के और रिटर्न आ जाते हैं। जो मौली साहब हैं उनके पास हमारा नंबर है, मैं बोल दिया हूँ कि जैसे आपको यहाँ से मतलब काम हो जाता है वैसे कॉल करना, वैसे मैं आ जाऊँगा, बोले ठीक है। तो दोस्तों चल के फल फ्रूट लेते हैं यहाँ से, फिर दोस्तों चलते हैं मामा के इधर, फल तो ले लिया हूँ दोस्तों। रहा दोस्तों बेवा चौराहा, कैमरा मूव करके दिखाते हैं, ये अमरगढ़ स्मृति वाटिका बजरंगी चौक, ये रोड के बीचों बीच में दोस्तों पुलिस चौकी। दोस्तों मामा के घर पहुंच गया था, और पहुंचने के बाद में दोस्तों वहां से सीधा चला आया, ये बगीचा है इधर, उनकी गाड़ी लेकर और हमारी गाड़ी लेकर, उनका लड़का गया घूमने के लिए कहीं, तो हमको थोड़ा पेट ख़राब है इसीलिए हमको आना पड़ा इधर। तो इधर आके दोस्तों मैं सोचा कि मामा का अपने घर दिखा दूँ। मेरे मामा का घर दोस्तों वो सामने है, जो ये बड़ा सा दिख रहा है घर, उसके बगल में जो छोटा सा है जो सौर ऊर्जा लगा है, यही वाला मेरे मामा का घर है। वहाँ पे दोस्तों शूट नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा यूट्यूब के बारे में नहीं जानते ना, और ऐसा कैमरा निकाल के कैमरा करने पर वो लोग बुरा मान जाएंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा अपना भी इज्जत है ना, इसीलिए इज्जत नीलाम नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस पोजीशन पे ना पहुंच जाओ तब तक ये सब नहीं करना चाहिए, जब उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे तब खुद ब खुद वो लोग जान जाएंगे यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलते हैं दोस्तों घर पर, क्योंकि चाय बन रहा है, चाय वाय पीते हैं, और तब तक हो सकता है कि उनका सामने से फ़ोन आ जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएँ। और दोस्तों यहाँ का व्यू दिखा देते हैं आपको, ये दोस्तों जिधर देखो उधर एकदम सूखा सूखा दिखाई देता है। ये दोस्तों इसके आगे चौकनिया गांव है, ये पता नहीं कौन सा गांव है, ये सामने वाला जो ये दिख रहा है, और इसके आगे बगडीहवा है फिर, और ये पता नहीं कौन सा गांव है। और दोस्तों ये नाला है, नाले में पानी है भरपूर। चलते हैं दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। Thank you.
दोस्तों मामा के घर से निकला, आया बेवा जो मेरे साथ बंदा था उसको पिकअप किया, उसको लेकर आया दोस्तों असनारा, असनारा उसको छोड़ा हूँ, बोला हूँ इधर खड़े रहो 10 मिनट के लिए, मैं अपने बहनों को लेकर के आता हूँ। बोला ठीक है। तो दोस्तों आया हूँ बहनों को लेने के लिए, जो कि दोस्तों सामने गांव है, ये वाला गांव है। और दोस्तों इसी पेड़, आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे छाव में खड़ा करके गाड़ी इसी पे शूट कर रहा हूँ। अब चल रहे हैं दोस्तों बहने को, बहने के घर से पिकअप करते हैं, फिर चलेंगे उस बंदे को जो मेरे साथ है उसको पिकअप करेंगे, फिर उसको सुना थोड़ा काम है तो सुना, वो अपना काम करेगा, उसका शायद दांत दर्द कर रहा तो वही दिखाएगा, उसके बाद में दोस्तों चलेंगे घर को, अगर कोई काम ना रहा तो, अगर काम कोई निकलेगा तो फिर वो करवा के फिर घर को जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों दोपहर के बज गए 3:10 और अब जाके दोस्तों पहुंचे हैं घर पे, और हम भी आ गए, आवेश भी आ गए, और जो साथ में गए थे उनको दोस्तों उनके घर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में सीधा चले आया घर। अब चल के दोस्तों नहाते हैं, क्योंकि सुबह नहा के यहाँ से नहीं निकला था, तो चल के नहाते हैं। ए बिट्टू आगोलो, नहाएगा कि नहीं नहाएगा? हम नहाने जा रहे हैं। देखो हमारा गोलू कितना गंदा है भाई, सारा कपड़ा ही एकदम से धूल ही धूल कर लिया है, सारा बिस्तर यही गंदा करता है। चलो उठ, दिन भर मोबाइल देगा, मोबाइल में क्या देखेगा, ये कार्टून देखेगा। हाँ चल बिटुआ, नहाएगा कि शाम का टाइम नहाएगा? अभी नहाई थे, अभी नहाएगा बिटुआ, इसमें कैमरे में देखो, बोलो कहते अभी मैं नहाया हूँ, मैं शाम को नहाऊंगा। हाँ मेरा बिटुआ शाम को नहाएगा, मैं दोस्तों अभी नहाऊंगा। दोस्तों नहाने जा रहा था तभी बोलेरो से कुछ लोग आए, और उसके बाद में अलाउंस करने लगे। अलाउंस ये कर रहे थे दोस्तों कि गांव के दो लोग बैंक से लोन लिए थे, जो समय पे पे नहीं कर रहे थे, इसीलिए बैंक वाला मतलब भेजा था अपना कार्यकर्ता, वो मैक से अलाउंस कर रहा है कि हफ्ते भर के अंदर आप जो पैसा बकाया बैंक का वो जमा कर दें, नहीं तो आपका घर और जो जमीन वमीन है उसका कुड़की होगा, नीलामी होगा और गिरफ्तारी भी हो सकता है। देखो दोस्तों सामने अलाउंस कर रहा है, ये रहा वो सामने वाले घर रहा दोस्तों, ये विकास बैंक बस्ती के बकायेदार। दोस्तों एक सप्ताह के अंदर ले जाके बैंक का जो पैसा बाकी है उसको पे कर देंगे तो दंडनीय कार्रवाई नहीं होगा, अगर नहीं भरेंगे तो दंडनीय कार्रवाई अवश्य होगा, क्योंकि बैंक वैंक का लोन दोस्तों ये बहुत बड़ा झमेला होता है, दर्दनाक भी होता है अगर समय से ना पे करो, और अगर समय से पे नहीं करते तो उसके ऊपर ब्याज ज्यादा बढ़ जाता है, तो वही ब्याज व्याज लेकर दोस्तों भया हुआ होगा। मैंने पता किया दोस्तों, तो एक का बोल रहा है 1.5 लाख रुपया, एक का बोल रहा है 2.5 लाख। दोस्तों रात के 8 बजे अब जाके दोस्तों नहा धोवा के एकदम रेडी हो गया, मैं नहाया, मेरा बिटुआ नहाया, और दोस्तों शाम के टाइम जब नहाने जा रहा था उसी समय दोस्तों काम पड़ गया था, तो रिसेंटली हमको जाना पड़ गया था चक्कर चौराहे पर, मैं और मेरे बहने को, इसलिए दोस्तों वहाँ काम कराने में ज़्यादा लेट हो गया, वहाँ से दोस्तों लेट हुआ, लेट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पहुँचने में भी समय लग गया, इसीलिए दोस्तों नहाने में इतना लेट हो गया। फाइनली दोस्तों मैं और मेरा बिटुआ नहा धो के रेडी हो गया, जो कि मेरा बिटुआ ये देखो जो इस पर बिछाया जाता गद्दे पर वो ओढ़ के ओढ़ा हुआ चादर। अरे बड़े हौसला है अरे तो अभी कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहने हो नहीं नहीं चलती है, मत दिखा यूट्यूब वाला बढ़ा देगा, उसके कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तू के साथ नहीं 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 दोस्तों का मूड पे तेल वाले रख के एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी होते हैं। दोस्तों कपड़ा पहन के रेडी हो गया हूँ, और मेरा बिटुआ भी कपड़ा पहन के रेडी हो गया, वो खेल रहा अपने दादी के ऊपर। लाओ खाना खाया जाए, लाओ खाना खाए बेटा, कपड़ा वपड़ा अरे दादी का कहती दादी मना कहा था, गोलू कपड़ा चीर दी दादी, दादी कपड़ा चीर दिया, गंदी बात बेटा, कहते नहीं दादी, मैं कहते कि हमारी दादी चीर दी तो क्या होगा, कहते दादी चीर देगी कपड़ा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा पहन लेंगे।
मेरा नाना कपड़ा ज्यादा दिया है। गांव में शाम के टाइम पंचायत ऐसे ही होती है। ये देखो सामने जूम करके दिखाते हैं। कम से कम कई लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। 2 लोग हैं मच्छरदानी के अंदर। है कि नहीं बिट्टू? आओ बिलाल भाई, किसको लेकर आए भाई? ओ चिन्नू मिन्नू बोलो। एक गंधरिया नहीं बोलेगा। दोस्तों खाना आए फिर खाते हैं और फिर बिलाल के साथ चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ पे चलेगा घूमने के लिए? किनारे पंकज का घर है, वहाँ चबूतरा बना हुआ कि कोई भी बंदा जाके बैठ के आराम कर सकता है। जस्ट उसके सामने मंदिर भी है जो कि पेंडिंग में अभी बना नहीं, बनने वाला है आने वाले समय में, यानी कि 10-12 या 15 दिन में काम चालू हो जाएगा। ऐसे कि मैं जब कटरैन के घर पे था ना बिलाल, तो बोल रहे थे गंगोली 20-35 हज़ार रुपया बटोरा है, आप आराम, तो जल्दी चालू होने वाला है। हाँ कल मिट्टी गिरेगा, नहीं नहीं कल मिट्टी गिरेगा। तो मुझे पूछ रहा था कि मिट्टी खुदाना है कहीं से, तो उसने मुझे बोले कि हाँ खुदवाएंगे फिर वहाँ गिरेगा। फिर हमारे इधर ऐसा दोस्तों कि जो ट्रैक्टर से मिट्टी खुदाई करके ताली के द्वारा गिराया जाता है, उस वो पुलिस वाले अब रिसेंटली कुछ समय पहले यानी कि 7-8 दिन पहले बंद करवा दिए। इसीलिए दोस्तों ये जो हमारा रास्ता खरंजा ये भी पेंडिंग में है। यहाँ 2-3 ताली मिट्टी गिरा, आगे नहीं गिरा, आगे गड्ढे का गड्ढा है। अगर पुलिस वाले अगर इजाजत दे देते हैं तो मिट्टी गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन मंदिर के लिए दोस्तों पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को तो पैसा चाहिए भाई। हो सकता है कि ना रोके, हो सकता है कि रोके। दोस्तों हमारा खाना आज का खाने में है दाल है और ये सादी सब्जी। किसकी सब्जी है? बोने की ना, आलू की है और बोने की है, और ये चावल है और ये रोटी। देखो बिटुआ मेरा कैसा खाना खा रहा, ले लेकर भाग रहा है। दोस्तों खाना खा के हो गया, मैं भी खा लिया, मेरा बिटुआ भी खा लिया। और मेरा बिटुआ अपने बाबा से क्या बोल रहा है, एक लिया है ये लाल कलर का बाटला जो कि इंडल लिखा है इसमें। अपने बाबा से बोल रहा है बाबा मैं बाट लिया हूँ, मैं गैस बाटला ले लिया। बता ऐ सुन 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 कैमरे में बोल क्या 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 लिया है पप्पा, इसको कौन कौन सा घर मिला है? वो जा बाथरूम हुआ है ना, जा भी करें किनारे अब तो सुई लगाएगी वो कितने सुई लगी वो किसको सुई लगाओगे हमें न न बोलो भाई अपने में मस्त बाटला लेकर बाट लिए। और जब बाबा इनका बोल रहे तुम्हारा हिस्सा लगेगा पिछवाड़े गड़े के किनारे, तो बोला मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर लूंगा। लो दोस्तों गोलू जिद कर रहे थे कि हमको गाड़ी पे लेकर चल के घुमा के लेकर आओ, तो दोस्तों इनको लेकर गाड़ी से गांव के बाहर निकला तो देखा हमारे गांव के बाहर एक दुर्रा बाबा करके मजार है उनका, बहुत बड़ा है। अभी एक्चुअली वो दुनिया में है नहीं, जब वो दुनिया में जिंदा थे तो बहुत भयानक मेला लगता था यहाँ पे। अभी दोस्तों वो तो कई साल पहले एक्सपायर कर गए, अभी भी मेला लगता लेकिन उतना भयंकर वाला मेला नहीं लगता, लगता है दोस्तों। तो देखा लाइट तो अपने बिटुआ से बोला कि चलोगे देखने, तो बोला हाँ चलूँगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको ले आया दिखाने के लिए, जो कि सामने रहा दोस्तों ये मेला है। देखो लाइट जल रही है, बहुत बड़ी मजार है ये। देखो ये गुंबद पूरा, यहाँ से कभी डे में दिखाऊंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। देखो ये सामने क्या नक्काशी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। इन बाबा को यहाँ क्षेत्र के जो लोग थे वो नहीं मानते थे, और जो बाहर बाहर के थे जैसे कि झारखंड के हुए, बिहार के हुए, या काफ़ी दूर दूर के लोग काफ़ी मानते थे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं मानते थे। एक्सपायर करने के बाद में जब मेला लगा था उस समय मैं आया था, तो लोग लड़का ही था दोस्तों, मालूम नहीं था उतना। सब लोग मतलब ऐसे झुक झुक के सजदा करते हैं, मतलब उनके आके मत्था टेकते हैं, तो मैं भी टेका था। जब आके घर पर बताया बड़े मतलब खुशी में, तो पिताजी जब हमारे सुने तो इतना पीटे हमको, इतना पीटे कि भाई साहब मैं समझा कि आप तो गया मैं काम से।
लेकिन दोस्तों जब मेरी माँ बचा ली थी, पिताजी लेकिन बहुत मारे थे, बोले ससुर ऐसा करना चाहिए था। मैं बोला नहीं मालूम था, अभी कर लिया तो अभी क्या कर सकते हैं। ये बात मेरी माँ बोली थी, मैं नहीं बोला। तो मैं बोला था सब लोग कर रहे थे तो मैं भी कर लिया। बोले सब लोग गंदा खाएंगे तो तुम खाओगे। मैं बोला अब क्या बोलूँ। तो मेरी माँ ने दोस्तों बहुत हमारा बचाव की थी, इसीलिए दोस्तों तब से हमको ये पता चला कि ऐसे कहीं मत्था नहीं टेकना चाहिए। मतलब कहीं भी कोई भी मजार पे जाओ, वहाँ दुआ हुआ मांग के चले आओ, लेकिन मत्था मत टेको। क्योंकि मतलब ईश्वर एक है ना कि अनेक, उसी एक ईश्वर के आगे मतलब टेको। मैं तो डर गया यार, पीछे से कोई खांसा। यहाँ तो डरना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अभी चल के घर पे बताएंगे, एक बात अभी नहीं बता सकते। तो चलते हैं दोस्तों, पहला मेला देखते हैं कि कुछ लगा होगा है दुकान उकान की, बस ऐसे ही लाइट खाली जल रहा है। तो चल के दोस्तों देखते हैं। दोस्तों गया देखा, दुकानें एक भी नहीं था, केवल पब्लिक थी। और दोस्तों ये मेला काफ़ी दिन तक चलता है, यानी 3-4 दिन तक चलता है। तो अभी टेंट घेंट सब लग रहे हैं और पब्लिक है, उतना पब्लिक भी नहीं है अभी, पब्लिक मतलब इकट्ठा हो रही है, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यानी कल या परसों में मेला लग जाएगा, दुकानें वुकानें लग जाएंगे सारे। और दिखाते हैं दोस्तों, खाली पब्लिक है और टेंट घेंट बाकी और कुछ नहीं है। देखो एक भी दुकानें नहीं है। चलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों जब मेला लग जाएगा और दुकानें वुकानें लगेंगे तो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ का मेला ऐसा लगता है जैसा दोस्तों पहले लगता था जब बाबा जिंदा थे, वैसा नहीं लगता है। पहले तो भाई इतना ज़बरदस्त लगता था कि एक जो मटर का दाना होता है ना, इतना फेंक दो तो नीचे नहीं गिरता, चाहे जितना फेंक दो, इतनी पब्लिक होती थी। लेकिन अभी उतनी पब्लिक नहीं है, अब बहुत कम, उसका मतलब समझ लो कि इस 100 में यानी कि 25% रह गया, 75% गायब। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं अब यहाँ से। अभी बच्चा भी मेरा बोल रहा है कि अब निकलो यहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों घुमा के लेकर आया गोलू को, और गोलू को लेकर आया छत पे, वो तो तुरंत ही सो गए, और गोलू की मम्मी भी सो गई। दोस्तों अब हम भी चल रहे हैं सोने के लिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।